साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई नहा भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते हैं। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले? हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे नंगे घूमते रहते थे। सुनिले तो कौन कहते जोग गुरु रामदेव बाबा महिला पोशाक पिंधिबा उपरे मंतव्य देई एबे अड़ुआरे बाबा रामदेव तांकु नै राजनीतिक सामाजिक महल रे आलोचना सृष्टि होछि। चारिआड़ु तांकु समालोचना करा जाउछि, एपरि कि से सर्वसम्मुख रे क्षमा मागंतु बोली दाबी मध्य उठिलाणि। शनिवार महाराष्ट्र थाने रे आयोजित एक कार्यक्रम रे बाबा रामदेव जोग देई महिला पोशाक परिधान को नै विवादय टिप्पणी देथिले। से कहिथिले जे महिला मने साड़ी रे भलो देखा जांती, सालवार सूट रे भी भलो देखा जांती, एपरि कि महिला मने किछि न पिंधिले भी सुंदर देखा जांती बोली रामदेव कहिथिले। एहि कार्यक्रम रे महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पत्नी अमृता फडणवीस मध्य उपस्थित रहिथिले। एहा सह महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पुओ तथा सांसद श्रीकांत शिंदे मध्य उपस्थित रहिथिबा देखिबा को मिलिछि। तबे रामदेव महिलांकु नै देइथिबा ई विवादय मंतव्यर वीडियो एबे सोशल मीडिया रे वायरल होबारे लागिछि। सेपटे ई घटनाकु नै राजनीतिक बयानबाजी मध्य आरंभ होइ जाइछि। फडणवीसको पत्नी अमृता सामनारे रामदेव एभुलि टिप्पणी देबा निंदनीय बोली कहिछन्ति शिवसेना नेता संजय राउत। जेतेबेले रामदेव महिलांक उपरे एभुलि कथा कहिले सेठारे उपस्थित अमृता फडणवीस एहार विरोध कले नाही काहेकि, सरकार भी काहेकि नीरव, राज्य सरकार कौन निज जीव को केंद्र सरकार को पाखरे बंधा पकाई कि बोली प्रश्न करी शिवसेना नेता संजय राउत। रिपोर्ट नुमारी टीवी।